वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में हमारे सारे ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस एंड पॉलिसीज़ देखी थी। इट्स टाइम टू सी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और बहुत सारा टाइम और एक्सपेंडिचर लगता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बहुत सारी कंसिड्रेशन लगती है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, सारी लाइट्स जो भी रिक्वायरमेंट है उनको देखना पड़ता है, उन पर ध्यान देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में भी और एज वेल ट्रेनिंग को भी। जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तभी जाएगा जब केयरफुली सेलेक्ट कर पाएंगे उस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग को जो रिक्वायर्ड है एटमोसफेयर के लिए। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको राइट नॉलेज मिले करेक्ट मेथड से, एम्प्लॉयज़ को प्रैक्टिस होनी चाहिए करेक्ट मेथड से, बेस्ट मेथड को ऑपरेट करें ताकि डिटरमाइन कर सके जो भी वर्क एनालाइज है उसको भी और टाइम को भी स्पीड को भी। जो प्रिंसिपल है बेस्ट स्पीड का उसे फॉलो करें। जो ट्रेनिंग है वो एक्यूरेसी लाई रहता था स्पीड, मतलब ये नहीं है कि काम हमने जल्दबाजी में कर लिया पर उसमें एक्यूरेसी नहीं है, और एक्यूरेट कर लिया पर टाइम बहुत लग गया, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिस का वो उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए ताकि उनको प्रॉपर क्लास मिले। ये नहीं है कि भाई आप कहीं और काम करा रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल काम है बट आप उसको थियोरेटिकल बता रहे हो, नहीं, आप एक डेमो प्रिपेयर कर लो एज इट इज़ मशीनरी की ताकि उनके अकॉर्डिंगली समझ आ जाए, ठीक है। जो ट्रेनिंग है वो लेस टाइम कंज्यूम करती है, कंसिडर करती है, ज़्यादा एफिशिएंट करती है। जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्टेड होनी चाहिए न्यू भी ओल्ड भी, मतलब हर एक पर्सन को ही मिलनी चाहिए, ठीक है। जो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मैनेजर को है पूरी नॉलेज होनी चाहिए नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ट्रेनिंग की। जो ट्रेनिंग का यही एम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करे ऑर्गेनाइजेशन के। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग है वो एनेबल होने चाहिए ट्रेनिंग टू द वर्क एट ऑल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और एक सफिशेंट नॉलेज को एक्वायर करे। जो प्रोसेस और ट्रेनिंग ऑफ जो टेक्निक है वो एम करते साथ साथ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग है उसे भी मैच करनी चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए हर एक मैनेजर के साथ भी। जो ट्रेनर है उसको सजेशंस देते रहने चाहिए टाइम टाइम तक, ही लाइनअप करते रहें, और जो नीड है ट्रेनिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज की वो भी लाइनअप होती रहे। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इतने इफेक्टिव होने चाहिए, जो भी उसके ऊपर बेस्ड हम काम कर रहे हैं टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो वहीं एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस पर ही कंडक्ट करो। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव होती है, मोटिवेट करती है ट्रेनीज को ताकि वो अंडरगो कर सके, और जो ट्रेनी है वो अवेयर होते हैं उस नीड के लिए, सेटिस्फाइड भी होते हैं। और जो ट्रेनिंग है वो लर्न और कीन इंटरेस्ट होना चाहिए। जो अगर एक बार ट्रेनी ने कन्वेंस कर लिया सैलरी और अप्रिशिएशन को, प्रमोशंस को, तो वो ट्रेन हो सकता है, एंथुसियस हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, जो एफिशिएंसी इंक्रीज होएगा, प्रिंसिपल्स भी लेज होंगे, एम्फेसिस होंगे और रेंडर करेंगे कि ट्रेनिंग को कितना कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इंडिविजुअल का डिफरेंस होता है कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कलेक्टिवली देगा, पर इंडिविजुअल के डिफरेंसेज होते हैं, हर एक का माइंड भी ध्यान रखना होता है हमें, फिजिकल और मेंटल सबका डिफरेंस होता है। जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है हर एक ट्रेनी को डिफरेंट मिलनी चाहिए, और हमें यह भी देखना चाहिए जो नीड और एप्टीट्यूड्स हैं ट्रेनिंग में वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्रेस, जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ट्रेनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट फील्ड में और अच्छे से मिले। प्रिंसिपल ऑफ होर वर्सेज एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है वो टू पार्ट्स होते हैं, एक होल ट्रेनिंग एक पार्ट ट्रेनिंग, डिपेंड करता है कि वो नेचर क्या है वर्क और एबिलिटी क्या है। तो जो वर्क है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है स्मॉल पार्ट में ताकि वो अच्छे से इफेक्टिव प्रूव हो सके। रीइन्फोर्मेंट्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, जो एसेंशियल है वही प्रॉपर प्रोविजन में हाई प्रमोशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, जो ट्रेनिंग है ताकि वो मोटिवेटेड हो ट्रेनिंग ले सके। अब आते हैं मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर गए हैं, एक वर्कर्स के बिहाफ पे, एक मैनेजर के। सबसे पहले है वर्कर्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कहते हैं ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिविलेंट मेथड है, जो ट्रेनिंग उन वर्कर्स को दी जाती है उनके जॉब एक्सपीरियंस और स्किल वर्कर और सुपरवाइजर के बिहाफ पे दी जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का यही मेथड है, जो एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट है, कंडीशन है वर्क का, उसी पे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, जो स्किल्ड सुपरवाइजर टीचर टीच करते हैं करेक्ट मेथड से उस वर्क को। जो वर्कर होते हैं वो स्ट्रेट अवे होते हैं उस काम के लिए, और जो न्यू वर्कर है वो लर्न करते हैं उस जॉब को, वो देख के जो वर्कर्स उस जॉब को सेम काम कर रहे हैं तो वर्कर लर्न भी कर सकते हैं जॉब को और गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, जब कोर्स कर रहे हैं वो, उनको जो लर्नर एक्सपीरियंस है वो डिफिकल्टी होती है तो वो अप्रोच करते हैं सुपरवाइजर ही एक्सेप्ट करें, जो कि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल मेथड है,
ट्रेनी का इंटरेस्ट होता है उस जॉब को लर्न करने में, ट्रेनिंग लर्न करता है उस वर्क और एक्चुअल कंडीशन ऑफ द वर्क को, जो ट्रेनिंग है उसका ईच वेज एक सर्व इंसेंटिव ही करता है, जो मैनेजर है वो अनेबल होता है कई बार, अनसुटेबल होता है उस ट्रेनी को प्रोवाइड करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क की होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी सुटेबल करना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के हिंड्रेंस हो सकता है, जब ट्रेनिंग अगर वेल प्लान्ड और ट्रेनी ना हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वेजेस पेड करने पड़ते हैं ट्रेनिंग को मोर देन वर्क डन से, क्योंकि जो काम सिखा रहे हैं उसको ज़्यादा मेहनत लगती है सिखाने में तो उसको ज़्यादा पैसे की नीड होती है, अगर इतना काम नहीं होता उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। सुपरवाइजर ट्रेनर उनको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन नहीं मिलता जो वो ट्रेनिंग में पार्ट करते हैं, तो इसलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते एम्प्लॉयज़ की डेडिकेशन के लिए। वर्सिटेबल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग इम्पार्टेड एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ पे हम स्पेशली जाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं फैक्ट्री में एटमॉस्फेयर वर्किंग कंडीशन क्रिएट करते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम को, जो ट्रेनिंग है वो एक्सपीरियंस और स्किल्ड ट्रेनर्स के थ्रू दी जाती है, जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्टेड होती है फ्रॉम द वेन्यू ऑफ द फैक्ट्री, जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वेल प्रोग्राम प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग सेंटर, एक वेल इक्विप्ड लाइक मशीन टूल्स इक्विपमेंट जो भी होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ के लिए वो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है, और जो हम भी कम्पीट करते हैं और मेथड बहुत लार्ज और उन्हें अलोन कर मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फिर से वही वर्किंग कंडीशन करना बहुत ही मुश्किल और एक अकेलेपन जैसा काम हो जाता है। ट्रेनिंग एक डेफिनेट और प्लान्ड मैनर है, कोई हिंड्रेंस नहीं होती जब हम ट्रेनिंग दे रहे, एक सेपरेट प्लेस होता है, बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं अंडर दिस मेथड, ट्रेनिंग एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन ही दे सकते हैं। डीमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि वही सेपरेट मशीन्स और सेटअप्स लाना और एडिशनल एक्सपेंडिचर करना डिफिकल्ट होता है उस कंडीशन को ही क्रिएट करना। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपने सुना भी होगा अप्रेंटिसशिप के बारे में, एक ऐसा मेथड जो स्पेशली सुटेबल है उन वोकेशंस के लिए जो लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस मतलब कंप्लीट एफिशिएंटली सीखा जाता है, स्टूडेंट्स उस जर्न को लर्न करते हैं सुपरवाइजर एक्सपर्ट्स के अंडर, जो एक्सपर्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स परफेक्ट होते हैं इंटरेक्ट कर पाते हैं, जो स्टूडेंट एक्वायर करते हैं नॉलेज को वर्किंग अंडर गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट के लिए, यही होता है कि पूरा राउंड ऑल उनको स्किल करना, उस ट्रेनी को अप्रेंटिस कहते हैं जो उनको नॉलेज देता है। 2 to 5 years चलते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है और उन्हें रेम्यूनरेशन भी मिलता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। मेरिट्स क्या है, फुल नॉलेज होती है उस जॉब के एक्वायर करने की, जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्टेड और वेल प्लान्ड मैनर में होती है उसको प्री डिटरमाइन करने के लिए, और जो ट्रेनिंग है वो रेम्यूनरेटेड हो जाती है, इंटरेस्ट आता है उस एम्प्लॉय का, और एक्सपेंसिव मेथड है, इवन और कंप्लीशन हो जानी है ट्रेनिंग की, और वो ट्रेनिंग श्योर नहीं होती उस प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस वर्कमैन, जो ट्रेनिंग है कई बार ऐसे भी दी जाती है, जो ट्रेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्पेशल एडवांटेज होती है, जो एक्सपीरियंस वर्कर है वो हेल्प करते हैं उनको हैंड करने में, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो सीरीज होती है जॉब की वर्क की वो वेल प्लान्ड ऑर्डर में ही होती है। कई बार सुपरवाइज भी ट्रेन करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको गाइड करने की, सुपरवाइजर ऑल्सो गेट अवे ताकि उनकी एबिलिटी और पोटेंशियल हो ट्रेनिज के लिए वर्क परफॉर्मेंस का बढ़े, और उनको पूरी नॉलेज कैन नो देयर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, पता होता है कि क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग एट ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स क्रिएट करे जाते हैं जिनको हम ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। डिफरेंट ट्रेड्स डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, हर एक सेंटर का एक थियोरटिकल टेक्निकल अलग होता है, और जो टेक्निकल होते हैं वो थियोरटिकल ट्रेनिंग भी हो सकते हैं, बोथ ओल्ड न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं स्पेशल ट्रेड और जॉब के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव है उन ट्रेनिंग सेंटर्स का वो इम्पार्टल एजुकेशन रिलेटेड टू स्पेशल ट्रेंड्स के लिए भी देता है। कोई हिंड्रेंस नहीं होता उस प्रोग्रेस के लिए, बहुत थियोरटिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, और जो ट्रेनिंग का एडवांटेज है वो स्पेशलाइज्ड होता है, एक्सपेंसिव मेथड होता है, और जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स है वो लार्ज होता है, पर प्रॉपर ट्रेनिंग हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इसका मेन एम ये रहता है कि जो थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दें, और जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जाके सीधा ज्वाइन कर लेते हैं उन ट्रेनिंग सेंटर्स को, बट यहाँ पे स्ट्रक क्या होता है कि दोनों टाइप की नॉलेज दी जाती है, और ये एसेंशियल होती है प्रोफेसर्स के लिए लाइक मैनेजमेंट मेडिकल प्रैक्टिसर, जो प्रैक्टिकल सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव, जो जॉब रोटेशन, इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट जॉब इन द, पर वो एक डिफरेंट जॉब से डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम टाइम पर, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो एक डिपार्टमेंट है ABC, हमने एक एक एम्प्लॉय को उठा लिया, एक पर्सन को बोला कि भाई तू ऑटो चला, दूसरे को बोला तू सामान लोड कर, और तीसरे को बोला तू उनको पैक कर, ठीक है।
फिर क्या करा, जो ऑटो चला था उसको बोला कि तू सामान पैक कर, और जो सामान रख रहा था उसको बोला कि तू ऑटो चला, और जो सामान को पैक डाल लोड कर रहा था उसको बोला कि तू ये कर। मतलब एक दूसरे की उनकी जॉब रोटेशन कर ली, उन्होंने तीनों काम एक साथ सीख लिए, तो उसको कहते हैं जॉब रोटेशन कर देना। ठीक है, असिस्टेंट टू पोजीशन, इसमें क्या होता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो जब भी मैनेजर जाता है, सीख पड़ता है, लीव होता है, तो हम ट्रेनी जो काम कर रहा है उसको उसकी जगह रख देते हैं, हायर पोस्ट को फॉल कर देते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं। क्या होता है कि जो हायर जो जूनियर लेवल है उसको नहीं आता, ठीक है काम, पर उसको हम प्रमोट कर देते हैं ताकि वो बड़े लेवल का भी काम सीख सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रैक्टिकल वर्क है, वर्कलोड कम हो जाता है रिड्यूस का, ट्रेनी मोटिवेटेड हो जाता है। मतलब उसको बड़े मैनेजर से कह दे कि तू उसके साथ काम करना चालू कर दे, मतलब मैनेजर को कह दे कि तू सीईओ के साथ काम कर, तो उसे उसकी चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। उसको कहते हैं असिस्टेंट टू पोजिशन। कमेटीज़ एंड जूनियर बोस, इसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रेनी इनवाइट करते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं मैटर के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और फुल फ्रीडम होती है अपने सजेशंस रखने में, अपना आगे रखने में, हायर अथॉरिटीज़ रखने में, और इसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे टैकल से वेरियस प्रॉब्लम से हैंडल कर पाते हैं। हाई अथॉरिटी बाउंड नहीं होती एक्सेप्ट करने की सजेशन पर हम ये हो जाते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है उस सजेशन को देने की। इसमें क्या होता है कि बहुत सेम टाइम पर जो जूनियर्स के डायरेक्टर हैं उनके अंदर का बाहर, मतलब अंदर का जो पोटेंशियल है वो बाहर नज़र आ जाता है, और वो डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो जाते हैं, उनको एक ओपन अप मिल जाता है फ्यूचर के लिए, प्रमोट होने के लिए, और जो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो उतनी जल्दी ही अपना काम सीख पाता है। उसको हम कहते हैं कमिट एंड जूनियर बोर्ड्स। इसके बाद आता है स्पेशल कॉन्फ्रेंस। स्पेशल कॉन्फ्रेंस रखना उनके लिए, उनको होल्ड करना, एफर्ट्स लगाना, डेवलप करना उनकी जो क्वालिटीज़ है, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, एफिशिएंट कम्युनिकेशन, इन सारी ट्रेनिंग्स को बाहर लाना, दो तीन दिन की कॉन्फ्रेंस रखना, सारे ट्रेनर को अच्छे से असेंबल करना और डेलिब्रेटली उनके साथ कॉन्टैक्ट करना, सॉल्यूशंस देना स्पेसिफिक प्रॉब्लम के, कलेक्टिवली डिसीजन लेना, इस टाइप के हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कई बार डायरेक्टेड कंसल्टेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होती है कि हमें इस डायरेक्ट करना है किसी को, कंसल्ट करना है इस प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है उन रिगार्डिंग, उसके अंडर उस कॉन्फ्रेंस उसके उस प्रॉब्लम के अंदर उस सिचुएशन के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए। इसके बाद आते हैं इन बास्किंग ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्ट करे एक स्पेशल वे से, जो भी बिजनेस प्रॉब्लम होती है उनको रखा जाता है और सेम ट्रेनिंग को दी जाती है ताकि वो फुल डिटेल में उस प्रॉब्लम को समझे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे गिवन टाइम पीरियड में, जिससे उसकी स्किल नॉलेज जो उनकी स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस है वो बाहर आ सके, पॉजिटिव अल्टरनेट मिल सके, प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी उनकी एक जो अंदर की डेवलपमेंट है वो होगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एक इंडिविजुअल का डिसीजन होगा उसको वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेलिब्रेटली, और वो कलीग्स को करेंगे एक फाइनल रिपोर्ट देंगे रिस्पेक्टिव एक्टिविटी की, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टडी हो सकती है। मेरिट यही हो कि वो प्रैक्टिकल होता है, मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, डेवलप होती है, एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो बेस्ट यूज कर सकते हैं उस टाइम का। इंसिडेंट मेथड, इसमें क्या होता है, जो मैनेजरियल एबिलिटी है, सरकमस्टांसेस है, एक स्पेशल इंसिडेंट क्रिएट करते हैं और ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर देते हैं सफिशिएंट डिटेल उस इंसिडेंट की, और उससे पूछते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो, इंसिडेंट हो, तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर्पस से वो टाइम देते हैं उन पर्पस के लिए, और वो ऑफर करते हैं कि सॉल्यूशन दो इस रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस और एबिलिटी का। ट्रेनिंग अपने प्रेजेंट सॉल्यूशन लाते हैं उस और एफर्ट्स लगाते हैं उस मेथड को, ताकि वो नॉलेज जो उनकी डिसीजन मेकिंग की पावर है वो इंक्रीज हो, और उससे वो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी की। रोल प्ले मेथड, रोल प्ले मेथड में क्या होता है कि जो नो अदर पर्सन अंडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड नहीं करता जो वो एक्चुअली कर रहा है। जो ये मेथड है यही है कि जो बिजनेस है वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट का, जो डिफरेंट ट्रेनीज है वो अपने अपना रोल अच्छे से, मैनेजर, क्लर्क, हर कोई अपना अच्छे से करता है। जैसे टीवी में अपना रोल कितने अच्छे से करते हैं, हर कोई अपना रोल अच्छे से करता है जो जिस मूवी में होता है, तो यही होता है। जो ट्रेनर है वो अपने सारे एफर्ट्स लगाता है अपने इमेजिनरी, और ट्रेनी को एक अच्छा सोल्यूशन देता है जब वो अपना एक रिस्पेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हर ट्रेनर ट्रेनी को अपना भी अटैम्प्ट देना चाहिए, सॉल्यूशन लाना चाहिए, रिस्पेक्टिव नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए, और जो भी ट्रेनर और सीनियर मैनेजमेंट है वो पर्सनली सुपरवाइज करेंगे अपने रोल के लिए, शॉर्ट कमिंग्स के लिए, और जो ट्रेनर है अदर सीनियर मैनेजर हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं देयर व्यूज़, अल्टरनेटिव अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसे नॉलेज मिलेगी, वो ट्रेन करेंगे अपनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिससे डीमेरिट यही है कि जो रोल है वो इमेजिनरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है पर इतना इफेक्टिव नहीं होता, बट लैक ऑफ रियल को वो एटमोसफेयर को निकाल देते हैं। बिजनेस गेम
मेथड, ये मेथड पॉपुलर होता है बिजनेस वर्ल्ड में। जो बिजनेस मैनेजमेंट होते हैं, जो ट्रेनर है वो डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर देता है, हर का अपना अपना रोल होता है कॉम्पिटिटर से। जो भी डिसीजन होता है वो फेवर में होता है टीम के। जो सीनियर मैनेजर वो सारे अपने एफर्ट्स लगा देते हैं प्रॉब्लम, जैसे लाइक फील्ड जो भी प्रोडक्शंस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, ये सारी टीम्स एक कॉम्पिटिटर एक दूसरे की होती हैं, ताकि जो एक सोल्यूशन निकाल सके एक प्रॉब्लम का जो फेवर है ग्रुप के। और जो जब फाइनल डिसीजन होता है उससे पहले सारे फैक्ट्स और सिचुएशन को रखा जाता है ग्रुप के आगे, ताकि सारे प्रेजेंट हो डिसीजन ले सके उस सीनियर का। जो भी कंसंट्रेशन होती है टीम होता है सब कुछ लेते हैं, और जो भी ऐड ऑन करना होता है, जो उनकी एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग होती है, वो सारे जान सकते हैं और अपनी वीकनेस को भी जान सकते हैं। केस स्टडी, केस स्टडी आपने नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एबिलिटी देखना उस सॉल्यूशन का हम निकाल पाते हैं नहीं, कि हम ट्रेनर्स को कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल देते तो उस बिजनेस प्रॉब्लम की रिटर्न में, ताकि वो केस स्टडी उसको सॉल्व करे, अपना सॉल्यूशन लाए। डिफरेंट ट्रेनर को डिफरेंट प्रॉब्लम दी जाते, ताकि वो एक डिफरेंट फॉर्म बना सके, क्रिएट कर सके। हर एक ग्रुप की अलग होती है, जिससे वो जान सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी का, और पॉसिबल अल्टरनेट निकाल सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो भी डिसीजन अराइव होता है डिसीजन का, वो का स्किल और कैपेसिटी होती है, वीकनेसेस को रिमूव कर सकते हैं। ट्रेनर फैबलेजर प्रॉब्लम फेल करते हैं, एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन भी उन्हें बता सकते हैं। प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं वो डिफरेंट सेटअप्स करती हैं मेंबर्स के लिए, लेटेस्ट टेक्निक्स के लिए, जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट होते हैं उनको अरेंज करती है टाइम गैप पे, ताकि वो उसमें इनवाइट प्रोग्राम करें और उन्हें उन चीज़ की नॉलेज दे, और इंडिविजुअल को एक्सचेंज कर, ताकि कलेक्टिवली उन्हें व्यूज़ एक्सचेंज हो, नॉलेज मिले उन एक्सपर्ट्स के द्वारा जिनका वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने डाउट्स को रिमूव करने की, और इस सिस्टम से काफ़ी बिग सिटीज़ में किया जाता है, और ये अप्रोच है जो लिमिटेड पर्सन है उनके लिए बेनिफिट्स बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी मेरिट्स ऑफ ट्रेनिंग। जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, और हमारे मोर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है। हमारे वर्कर्स को मोटिवेट करता है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ होता है हमारे वर्कर्स के टाइम का, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने जॉब फंक्शन को और हायर स्किल लेवल्स को। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, मतलब अपने आइडियाज़ रख सकते हैं, अपने रिकमेंडेशन सजेशन रखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लान्स और प्रोसीजर में पार्ट ले सकते हैं। लोवरिंग एम्प्लॉय टर्नओवर एब्सेंटीज, अगर ट्रेनिंग हमें हमारी लेबर टर्नओवर को डिक्रीज़ करती है और हाई प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। अगर मैनेजर अपना इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में, तो उनका जो कंपनी के इमेज है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, एक गुड प्लेस क्रिएट हो जाता है वर्क के लिए, कंपनी का नर्चर हो जाता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, वैल्यूज़ बढ़ जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, और ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ ताकि वो ग्रो कर सके और अपनी इंडिविजुअल गोल्स और एस्पिरेशंस को मीट कर सके। एक पुल बन जाता है हमारे पास, जो क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक ब्रिज होता है जो हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास हमारी कंपनी को वो लीव ही नहीं करेंगे अनएक्सपेक्टेडली, और वो एक्सेप्ट करेंगे अपने ट्रांसफर और प्रमोशंस को। लेस सुपरविजन, जब ट्रेनिंग अच्छे से कर पाते हैं, एफिशिएंटली कर पाते हैं, तो उन्हें सुपरविजन की नीड नहीं होती, उन्हें ज़्यादा इंडक्शन की नीड नहीं होती, वो फ्रीली मैनेजमेंटली अपना काम कर सकते हैं हाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को। ईजी टू इम्प्लीमेंट द चेंज, अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इम्प्लीमेंट अगर चेंज आ भी रहा है तो वो उसे ईजिली अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, बेस्ट इक्विपमेंट दे जा रहे, ताकि उसे अडेप्ट कर सके और फ्यूचर को चैलेंज कर सके। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 7। तो आज आप इसे अच्छे से कर लेना, कल हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुई हूँ कहीं ना कहीं, अ लिटल बिट, क्यों मुझे खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइडर स्कोप है ट्रेनिंग के चैप्टर का। बट जहाँ तक मुझे समझ थी, जहाँ तक मुझे नॉलेज थी, मैंने आपको क्लियर अप करने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरी वर्डिंग से और मेरी एक्सप्लेनेशन से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, मैं दोबारा पढ़ के उसे अच्छे से नॉलेज लेके आपको दे दूँगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ।